हम यहाँ बैंकॉक के समरसेट होटल में रुके हुए हैं, तो आप देखते हैं इनका ब्रेकफास्ट कैसा है। और लास्ट टाइम भी हम रुके हुए थे यहीं बैंकॉक में ही, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से समुद्र का व्यू कितना प्यारा है, देखो वाह। तो दोस्तों अभी छोटे छोटे जितने भी चीज़ें सारी चीज़ें देख रहे हो इस समुद्र के अंदर, बोट है, कोई शिप है, कोई याच है, और मैं अभी खड़ा हूँ 21 फ्लोर पे। देखो इट इज़ वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। दोस्तों आप समझ सकते हो 21 फ्लोर पे नीचे देखने में कितना डर लगता है। बहुत बढ़िया, ये बैंकॉक सिटी आप पूरी, मतलब पटाया सिटी आप पूरी देख रहे हो ऊपर से, देखो। और दोस्तों एक बहुत अच्छी बात कि ये होटल बहुत प्यारा है, समरसेट जिस होटल में हम रुके हुए हैं बहुत प्यारा होटल है, बहुत अच्छे कलर की है, जिस भी पेंटर ने इसमें काम किया है ना, जो भी इसमें डिज़ाइनर आर्किटेक्चर जो भी लगे हुए थे, बहुत बढ़िया वाला काम कर रखा उन्होंने, मतलब इस होटल में हमें रुकने में मज़ा आया। वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विद दिस होटल। अब देखते हैं इनका ब्रेकफास्ट कैसा है कल, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया था, क्योंकि परसों रात को हम बहुत लेट सोए थे और थके हुए थे, क्योंकि आए थे ना यहाँ शाम को तो बहुत थक गए थे फ्लाइट में आते आते, तो सो गए बहुत, फिर सुबह उठ नहीं पाए, ब्रेकफास्ट मिस हो गया। आज जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने, बाकी सबको उठा दिया है मैंने, अब देखते हैं कौन कितना तगड़ा वाला ब्रेकफास्ट करता है, कौन क्या खाएगा और मस्तानी क्या खाएगा, ये भी ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि 2.5 किलो का हाथ है ना उसका। यस, गुड मॉर्निंग मस्तानी। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मस्तानी की गुड मॉर्निंग कितनी सही चल रही है, इसके जस्ट सामने समुद्र चल रहा है एकदम बढ़िया वाला। ओह मजा आ गया मस्तानी, अगर तेरी बुकरिया इस समुद्र में आ जाए तो डूब ही जाएगी और कहा होएगा। अरे बीच पे नहीं लाना लिया किस दिन? बीच पे भी तो मैं ही ना गया नहाने, बीच पे घूम तो आया ना तू, नहाने तो नहीं गया? मैं तो नहाऊंगा अभी, तो बकरियों को नहाइयो साइड में खड़ा कर। और बता मस्तानी मजा आ रहा है घूमने में? फुल मजा आ रहा है, नाक बंद होगी बेंच। अरे नाक बंद दोस्तों, मस्तानी की नाक बंद हो चुकी है जैसा आप लोग देख रहे हैं। तो मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि सुबह 10 बजे तक का ही ब्रेकफास्ट है, कल तो हमने मिस कर दिया था, तो अभी चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, टाइम हो गया है 9 बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट करने चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ खाने की बहुत दिक्कत है, मतलब होटल में नहीं बाहर जो हमने खाना खाया है ना बहुत खराब ही है भाई यहाँ का। दोस्तों आप बर्गर किंग भी ट्राई मत करना, इतना घटिया है बस क्या बताऊं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो, अगर आप वेज खाते हो तो सच में दोस्तों बहुत बेकार चीजें हैं। वेज के नाम पे एक ही बर्गर मिलेगा आपको बर्गर किंग में, और उसमें भी ऐसा लगेगा जैसे क्या ही दे दिया हो, बहुत बेकार है। मैं कल सुबह गया, मुझे तो उल्टी आने वाली थी। हाँ ये भाग गया बर्गर किंग छोड़ के बाहर, एक ही बाइट खाया और मैं तुरंत। तुझे होटल कैसा लगा ये बता? होटल तो भाई लाजवाब, अमेजिंग होटल, बहुत शानदार, अपना समरसेट पटाया। अगर आप भी दोस्तों आना चाहते हो पटाया में, तो समरसेट होटल सबके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है, बहुत अच्छा होटल होने वाला है। 2 प्रीमियर बेडरूम विद सी व्यू है। अप्रोक्सीमेटली इसका एक रूम का चार्ज है 65,000 to 70,000 इन इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज में इतना ही है इसका, करीब 65,000-70,000 रुपए फॉर वन नाइट ₹65,000-70,000 इंडियन रुपीज के हिसाब से एक दिन का चार्ज। तो इस होटल में रुकने में जो मजा आ रहा है ना, बहुत शानदार होटल है। दोस्तों ट्रिप पे ना अगर आप कहीं जाओ तो आपका होटल अच्छा होना चाहिए, तभी आपका मन लग सकता है। अगर आपका होटल भी खराब है और बाहर का खाना भी खराब है तो सब खराब है, क्योंकि अच्छे होटल में आओगे तो आपको अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिलेगा, फ्रूट्स जूस सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी जिसमें थोड़ा आप मजा ले सकते हो। तो आज का हमारा ये दूसरा दिन, आप ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, उसके बाद पूल में नहाने जाएंगे, उसके बाद समुद्र में नहाने जाएंगे, उसके बाद बाथटब में नहाने जाएंगे, मतलब आज पूल डे नहाते नहाते रहेंगे बस। चलो ठीक है दोस्तों, तो हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है वो मिल रहा है टॉप फ्लोर पे। हम खड़े हैं इस बार, ये टॉप फ्लोर पे इसका पूल है, ये रहा 24th फ्लोर और यहाँ है ये इसका लाउंज, इसके अंदर चल रहा है ब्रेकफास्ट। आपको दिखाते हैं कैसा कैसा है खाना यहाँ का, क्या क्या मिल रहा है, कुछ अच्छा मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
बहुत सही, यहाँ पे सब कुछ नॉन वेज है, कुछ वेज नहीं है, सिर्फ ब्रेड मिलने वाली है और सॉस मिलने वाली है खाने के लिए, और कुछ नहीं है यहाँ। चलो दोस्तों करते हैं ब्रेकफास्ट अभी, फिर दिखाते हैं आपको आगे का सीन।